अब आप क्या कहेंगे कैसी
से जरा बताइए, तो आप कहेंगे मौलाना मजलिस से जब जाने मजलिस से जा रही थी तो लोगों के ख्याल बाकी बचे थे मजलिस से महसूस करता ना बहुत बड़ी भीड़ है, कोई आए तो जा आए हैं, बड़ा मजमा जमा है, पता चला कोई नमाज हो रही है और इतनी भीड़ साथ में नमाज पढ़ रही है। तभी किसी ने बताया न पढ़ाने वाले में जुलूस है और ना पढ़ने वाले में जुलूस है। अब मैं आपसे पूछूं भाई क्या हो रहा था उस मस्जिद में, तो आप नमाज को नमाज कहने से कतराए, महसूस कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि जाने नमाज खुलूस है, हकीकतों से इबादतें मुकम्मल नहीं, खुलूस से इबादतें मुकम्मल। अच्छा, अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मासूम के कॉल का सहारा लें, आपके आठवें मौला इरशाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, फरमाते हैं सब कुछ फना हो जाएगा, बस आलिम बाकी रहेगा। फरमाते हैं आलिम भी फना हो जाएगा, बस अमल करने वाला बाकी रहेगा। फरमाते हैं अमल करने वाला भी फना हो जाएगा, बस खुलूस बाकी रहेगा। अब ये मेरे जुमले नहीं है, मेरी खिताबत वकालत नहीं है, मेरे जवानों तुम्हारे इमाम कह रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या बाकी रहेगा? खुलूस बाकी रहेगा। सो खुलूस किसे कहते हैं, किस शय का नाम है, ये आखिर चीज कौन सी है जिसकी इतनी डिमांड है कि 11 रकअत किनारे खड़ी हो गई, 17 रकअत किनारे खड़ी हो गई, 51 रकअत किनारे खड़ी हो गई, ये रमजान की 102 रकअत किनारे खड़ी हो गई, इतनी इबादतें किनारे खड़ी हो गई, ये भूख प्यास किनारे खड़ा हो गया, ये पैसे का कुछ हो सका किनारे खड़ा हो गया, ये वादे खुदा का चक्कर किनारे खड़ा हो गया। सब कहते हैं खुलूस है तो हम में जाने, खुलूस नहीं तो हम ले जाने। जो चीज जिस चीज के लिए मशहूर है उससे सारी मिक्सिंग हटा लेने और बस उसमें वो बच जाए जिसके लिए वो मशहूर है। अल्लाह समझना बहुत अहम जुमला बोलने जा रहा हूँ खुदा की, ठीक है। मसलन दूध दूध के लिए मशहूर है तो अब खालिस होना उसका ये है कि उसमें पानी ना हो। पानी ना हो, पानी ना हो मतलब समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, जब पानी निकल जाएगा तो दूध क्या बनेगा? खालिस बन जाएगा। जब मिक्सचर हट जाता है तो ओरिजिनल सामने आ जाता है, ठीक है। यहाँ साइंस के भी बच्चे बैठे होंगे माशाल्लाह से, है ना, आप मादन क्यूब में क्यूब में मादनियात यानी जियोलॉजी आप पढ़ते होंगे, आप माहिनी को समझते होंगे, ठीक है ना। जो आयरन ओर जब निकलता है, आयरन ओर जब निकलता है तो आयरन ओर में ये भी करते हैं क्यों का, ठीक है ना, तो उसमें और भी दूसरे जो पदार्थ होते हैं, दूसरी जो चीज़ें होती हैं, सिलिका है, फॉस्फोरस है, उसमें एलुमिना है, ये सब चीज़ें आप हटा देते हैं, हटाने के बाद उसकी प्योरिटी जांचते हैं। वो प्योरिटी जब जांचते हैं तो पता चलता है 63% है, 62% है, 61.5% है, 65% है, ठीक है ना। ये लोहे के मापदंड आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये लोहे का है, ठीक है। अब ये लोहे में आपने एफी का एफी कंटेंट का तस्करा किया, भाई ये 65 के डिग्री का लोहा है, बाकी सब किनारे कर दिया गया, अब ये खालिस लोहा है, खालिस, इसमें और कुछ मिला हुआ नहीं है। मेरे साथ में ये बिल्कुल बहुत अहम मौजू है, अगर इस मौजूद में से एक इंसान भी समझ गया तो मैं समझूंगा मैंने मजलिस पढ़ लिया आपका तरफा। अब क्या है साहब, अब ये लोहा है लोहा, तो अब लोहे का जो भाव है वो 65 ग्रेड में चल रहा है, 65 में, सोना 65 पे नहीं चलता, सोना सोना 65 पे नहीं चलता। सोने का ग्रेड क्या होता है, सोने का ग्रेड जरा बताना क्या होता है, है? नहीं 99.99 होता है, ये सोने का है, समझ में आ रहा है ना, वो कैरेट है।
अफ्रीका की कितनी मजली से समझता हूं मैं नहीं जानता, अफ्रीका के जंगलों से कुछ सोने के जर्रा जर्रा जमा किए गए, उन्हें छाना गया, छान के उन्हें भट्टी में जलाया गया, मुसीबत में डाला गया, जैसे जैसे वो तपते गए वैसे वैसे वो भट्टी में गए। अल्लाह अकबर, मैं पहचान कर कहां ले गया। ये अफ्रीका का जुमला मैंने खास तौर से इस्तेमाल किया, ये अफ्रीका से 16 कैरेट का सोना उठाया गया, धीरे 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 से तपाया गया, मुसीबत पर तपता रहा, तपता रहा, तपता रहा, और फिर जब निकला तो कोई आठवें दर्जे का निकला, कोई नौवें दर्जे का निकला। जब खरीदेंगे तो ये 0.01 है,
वो तो बढ़िया है, लेकिन कोई नहीं कहता भैया इसे अलग करके तो भाव सोने का किया जाता है, जानते हुए का सोना नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम सोना इम्तिहान की हालत में था तो इसके साथ नहीं छुड़ा। तो भैया स्विस के जिस बैंक में वो सोना रखा जाएगा उसी बैंक में वो 0.01% में तो होगा ना, समझ रहे कि नहीं? हिंदुस्तान के जिस रिजर्व बैंक में भारत का वो सोना रखा हुआ है 99.9, वही वो 0.01 भी तो रखा हुआ है ना, उसी घर में रखा हुआ है ना, क्योंकि जब उसका इम्तिहान था तो इसने साथ नहीं छोड़ा था, यानी मृत्यु का साथी था। हम ये नहीं कहते कि हम जन्नत में अपनी इबादत की वजह से जाएंगे। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, लेकिन इस चेहरा के साथ भाई सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, इस्तेमाल करूंगा कि लोअर कोर्ट में केस चला कि भैया इस पे उधार इतना है,
नमाज इतनी कजा है, रोजा इतना कजा है, मामलात इतने कजा है, वाजिबात इतने कजा है, रिश्तेदारों का इतना कजा है, लोगों का इतना, हमसायों का इतना, मुल्क का इतना, और सारे मामलात का एक एक हिसाब, एक एक पाई रखता है, एक एक पाई। हमारा पाई पाई अलग है, अल्लाह का पाई। किताब शुरू हो गया। अब जब कर्ज की लिस्ट करा दे दिया, तुम्हें इतना कुछ देना है, इतना कुछ देना है, तो साहब डेट दे दी गई कि अपने पेपर्स तैयार करके लाओ और तुम्हारी सुनवाई जो है इस कोर्ट में नहीं होगी, अगली बड़ी कोर्ट में। तो बड़ी कोर्ट में जाने के लिए मरहूम का या मरहूमा का एक जवान बच्चा था, उसने अपने बाप और अपने माँ का सारा हिसाब दे दिया और फौरन ही उसने जितने वाजिबात थे उसकी जिम्मेदारी ली और किसी ना किसी को वो जिम्मेदारी दे दी कि भैया रोज पूजा करो, नमाज को पढ़ लो, यहाँ पर तुम चले जाना। माँ बाप जो है वो एक करोड़ की बिल्डिंग छोड़ के गया है, 10 लाख उसके लिए अगर खर्च ना करूँ तो मुझ पे है आगे। उसने खर्च किया और फाइल जमा की और हाई कोर्ट में जाने से पहले उसने अपने मरहूम के मामला को लोअर कोर्ट में ही हल कर दिया। उसने फाइल जो है क्लियर कर दी कि भाई इनके नाम से इतना बकाया था, ये मैंने बकाया जमा कर दिया, ये मैंने रख दिया है, अब आपको समझ में आया औलाद कितनी बड़ी नियमत है। इसे बेटी का गुलाम ना बनाओ, गुजरात का गुलाम संभाल लिए, इसलिए
मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि जब तक हम अपने मरहूमों से मुखलिस नहीं होंगे, हमारा मुस्तकबिल सुनहरा नहीं होगा। हर मरहूम और मरहूमा अपने घर में शबे जुमा को आते हैं और आपसे कहते हैं कि हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया। आप घर में घुसे, आपका जिंदा बच्चा भी माशाल्लाह से कहता है पापा हमारा क्या हुआ। आप कहते बेटा एडमिशन करा दिया। बीवी ने कहा भाई हमारा क्या हुआ, भाई तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा दिए। भाई ने कहा हमारा क्या हुआ, भाई तुम्हारे जॉब का इंतजाम करवा दिया। भाई गुजरे हुए माँ बाप भी तो पूछते हैं हमारा क्या हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बिरयानी का इंतजाम हो गया, हम क्या करते हैं बिरयानी का इंतजाम हो गया है। नहीं मेरे अजीजा, तुम्हें बदलना होगा, बदलना होगा। कौन शहर में बोलो जिनके एक महीने का खर्चा 4,000 में निकल जाता है, ऐसे 10 भाइयों को राशन भिजवा के एक महीना खिलाओ। अगर तबल्लुक है तो पार्ले का बिस्किट भी उतनी असमत रखता है। बिरयानी होने की वजह से असमत नहीं बढ़ती, तबल्लुक होने की वजह से असमत ठीक है। ये 70,000 का खर्चा, 1.5 लाख का खर्चा, 2 लाख का खर्चा जो आपने किया, ये गुरबा में शहर में राशन का इंतजाम कीजिए, पहुंचाइए। क्या आप घर में कर ही रहे हैं, किसने रोका है? कीजिए घर में 10 लोगों की दावत के बदले 50 लोगों की दावत कर लीजिए, इसे कीजिए। दूसरे अगर कौम को आगे ले जाना है तो इस संडे भी मार से बचिए, ये बचिए, ये हमारी बहुत बड़ी मुसीबत है। मुझे नहीं पता 70 साल पहले क्या हुआ और 70 साल से क्या हो रहा है। मैं तो अपने अहद का जिम्मेदार हूँ, उन्हें आने वाले अहद में आपको तोहफा सोच कर देके जा रहा हूँ। जो आपकी मजलिस में बस संडे में आए तो आपका रिश्तेदारी नहीं है। क्या बात है, ये नोट कर लीजिए कि मैंने शायद ने ये कहा था कि क्या बात। अपने अब्बा अम्मा की मजलिस कीजिए मंगल को, बुध को, जुमेरात को, जुमे को। अगर कोई कहे कि जॉब है नहीं आ सकते, बच्चों की स्कूल है नहीं आ सकते, प्रोग्राम है नहीं आ सकते, कोई मसला नहीं। बताइए आप ये समझ लीजिए कि इसके पास ये दिन नहीं आपके लिए, ऐसा रिश्तेदार रखने से क्या फायदा। तो एक दिन ना निकाल सके आपके लिए, वो भी छुट्टी का चाहिए। नहीं, इसे खत्म करो, इससे पहले के इतिहास खत्म कर दे आपको, इसे खत्म करो। जो मेरा मजलिस से जो मेरे हाथ में आम आम के सवाब आपको पता है ना, कितने हैं कितने बताइए हैं ना। तो जो रात में जो चीज होनी चाहिए वो मिंबर में क्यों करते भाई, किस लिए करते, किसने कहा है करने की, आप मुझे बताइए। चेंज कर, मैंने अपनी माँ की मजलिस में चेंज किया, मैंने संजय में मजलिस रखी। शाहिर भाई संजय में नहीं रखी मैंने मजलिस, नहीं रखी मैंने, क्योंकि जो इसलिए आया है कि वो संडे में फ्री है और फ्री में वो टाइम निकाल रहा है, तो मैं भी उसके लिए फ्री हूं। इस मामले को खत्म कर, खत्म कर। और इसमें जो शरीयत है निस्वा है, ये औरतों वाली जो शरीयत है कि नहीं सोमवार को नहीं कर सकते, नहीं जी मंगल को नहीं कर सकते, और नहीं जी बुध को नहीं कर सकते, और मौत के पहले दिन को तो कर ही नहीं सकते, मलकुल मौत घर देख लेता। तो मलकुल मौत तो भाई तब से देख रहा है जब से हम मौत हुए, इसे खत्म कर। जुमेरात की मजलिस याद रखिए, जुमेरात हम में से कोई ऐसा नहीं, बस आखिरी तोहफा और फिर एक दो बातें और अंतिम बस है। आखिरी तोहफा आपको दे रहा हूं, खास कर से जमाना। देखो हम सब लोन से घिरे हुए हैं, हम सब लोन से घिरे, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो लोन से घिरा ना हो। कोई आदमी मुझ में से खड़ा होकर कह सकता नहीं जी मौलाना साहब हमने तो बैंक से लोन नहीं लिया, पर अल्लाह से सांसें तो लिए मेरे भाई। पैसों का लोन थोड़ी होता,
हम सब किस्तों में गिरे हैं, फलानी तारीख को 7,000 जा रहा है, फलानी तारीख को 9,000 जा रहा है, फलानी तारीख को 25,000 जा रहा है, फलानी तारीख को 50,000 जा रहा है। तो भाई हमारा बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, कोई चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, वरना जेल का दरवाजा देखना पड़ेगा। यही सब तो अंडरस्टैंडिंग होती है, यही होती है। तो अब अचानक में आपको पता चले कि बैंक के चेयरमैन ने ऐलान कर दिया है कि अब सबका कर्ज माफ कर दिया जाएगा, तो कितना सुकून होगा, होगा ना सुकून। भाई पता करो ये खबर सही है कि गलत है। किसी ने कहा भाई पेपर में लिखा है गलत, ये सच्ची खबर है, मगर चेयरमैन ने कहा है कि जहां मैं बुलाऊं वहां आना पड़ेगा। तो भाई पता करो कहां बुला रहा है बुलाने वाला। एक वक्त में एक चीज, ठीक है, यही सोच है।
अब जरा पढ़ो फिल्मी दुनिया की तरफ आओ, 1400 साल के बाद की रिसर्च क्या कह रही है उसे समझो, ताकि आपको समझ में आए कि लीडरशिप क्या समझना चाहे। ये हमारी बेवकूफ़ी वाली सोच है, काहे की सोच है, बेवकूफ़ी वाली है। और ये बेवकूफ़ लखना इस्तेमाल करूँ तो मैं कहूँगा बोली वाली सारी सोच है, मगर ये बोला वाला जब बोला जाए तो इसका मतलब बेवकूफ़ी होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता। तो मैं कुछ आपको अच्छा लगाने के लिए जुमले नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हमारे इलाके की बेवकूफ सोच की बुनियाद है। जो हम ये सोचते हैं ये सादगी माजल्ला सुबह माजल्ला गुर्बत के सबब है, नहीं कह जाइए यहाँ दुनिया में। अच्छा ये आप सबके लिए जो बुजुर्गान बैठे हैं, जो मजलिसी बैठे हैं, जो कलाम लिखते हैं, कल को अगर आप कलाम लिखे तो बुनियाद पर लिख लीजिएगा, जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टरों की मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई ये कोरोना के बाद, कि दुनिया में शुगर, ब्लड प्रेशर, पेनक्रियाज, लीवर और इन तमाम बीमारियों से मरने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई है। तो क्या किया जाए? तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब तक बीमारी ने लोगों को मारा है, अब कुछ ऐसा करते हैं कि बीमारी को मार दिया जाए। अरे ये मेरे जुमले नहीं है, ये सब मौजूद है, रिसर्च की बात बता रहा हूं आपको। तो डॉक्टरों में जो सबसे बड़ा दुनिया का डॉक्टर था उसने कहा ये मुमकिन है, ये किया जा सकता है। छोटे डॉक्टर ने पूछा कैसे किया जा सकता है, उन्होंने कहा करना बस इतना है कि किचन से गेहूं को निकाल देना है और जौ को ले आना है। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा कि किचन से गेहूं को निकाल देना है और जौ को ले आना है। डॉक्टरों ने कहा कि इसकी वजह क्या है, उनका जौ लाने की सबब बीमारियां खुद बहुत खत्म हो जाएंगी और जो खाने वाला है वो बस तो कभी हो जाएगा, बीमारियां खुद बहुत खत्म हो जाएंगी, खाने वाला कभी हो जाएगा, क्योंकि जौ फूड नहीं है, सुपर फूड है। हाँ बाबा आप समझेंगे क्या अली में रह रहे हैं, सिर्फ फूड नहीं है, सुपर फूड है। अब समझ में आया अली जौ क्यों खाते थे? क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अली मौला और अभी अमेरिका में जो इलाज हो रहा है
वो सेल से जो इलाज हो रहा है वो यही तो होता है कि आपके ब्लड के जो कमजोर से हैं उनको निकाल दिया जाता है और जो मजबूत हैं उनको जमा करके बढ़ा दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है और उसको दोबारा इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये सिस्टम शुरू हो चुका है 30 साल कम से कम, मैं समझता हूँ हम लोग को पता नहीं, हम लोग रहेंगे जिंदा नहीं रहेंगे तो मौला के हाथ में है, लेकिन 30 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कलर थेरेपी आ जाएगी, कलर और लाइट थेरेपी आ जाएगी। एंटीबायोटिक 25 साल के अंदर हिंदुस्तान में बंद हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा, एंटीबायोटिक का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। आपको पता है जितने लोग ठीक है रोजा खुद में खुदा है प्रत्येक रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि वर्ल्ड ओवर में ये साबित हो चुका है कि जितने लोगों की लोगों का वजन 70 किलो से 80 किलो से ज़्यादा है अगर वो तो रोजा रखते ही हैं तो उनके बदन के ट्यूमर खत्म हो जाते हैं, जो गांठें होती हैं। अल्लाह का हुक्म है आपको रखना ही रखना है, अगर आपके बाजी पे आप बीमार नहीं है तो आप रखें, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि अगर आप रोजा रखते हैं तो 1 महीने के बाद अगर पहले कुछ ट्यूमर हैं तो वो बाद में ट्यूमर खत्म हो जाए। पहले वैद्य के दरवाजे पर बैठे थे, ये तो देखे ही देखे हैं, तुम्हारे हाथ में तो कुछ होना चाहिए। जो भी लाओ खुलूस के साथ, जो भी बोलो हिम्मत के साथ, जबान खामोश हो तो ईमान हो, तो जबान बोले तो ईमान। बस मैंने मौजू आपके सामने खत्म किया अपनी जबानों से, खासतौर से क्योंकि मेरा आपसे एक अलग रिश्ता है। हम कह सकते हैं कि हम दिल्ली वाले कम से कम इन चीज़ों की दुनिया में आ सकते हैं, डिजिटल एजुकेशन का जमाना आ गया, 10-15 साल के बाद कोई यूनिवर्सिटी कहीं नहीं बनेगी, 5 कमरे होंगे, 5 कमरों में डिजिटल कैमरा लगा होगा और लैब होगा और नहीं तो प्रोफेसर से पढ़ा रहे होंगे और पूरी दुनिया में डिजिटल एजुकेशन का दौर होगा, हिंदुस्तान बहुत आगे होगा, बहुत। उस आगे की जो ये दौड़ है उस दौड़ में वक्त में सवार हो जाएगी, वक्त पे अगर गाड़ी में बैठ जाएंगे तो जगह मिल जाएगी। 12वीं क्लास के जो बच्चे थे जिनका दिमाग नहीं लगता 12वीं के बाद, करियर ओरिएंटेड नहीं है, नहीं है उनके पास मन नहीं है, दिमाग नहीं है, या वो पढ़ना ही नहीं चाहते, ग्रेजुएशन नहीं जाना चाहते, तो कम से कम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेस का बहुत ज़रूरी है। जाने ये मोबाइल जब आपके हाथ में रहता है, ये मोबाइल जब आपके हाथ में होता है तो ये खुलता है तो मोबाइल होता है, और ये बंद होता है तो रेडियो होता है। ये सब बातें नंबर से पढ़ने की नहीं है लेकिन बोल रहा हूँ, जब खुलता है तो मोबाइल होता है और ये जब बंद रहता है तो ये क्या होता है, रेडियो। किसके लिए रेडियो है, आपके लिए मोबाइल है, आपने चालू किया मोबाइल है, आपने बंद कर दिया अब ये रेडियो है। किसके लिए, जिसने आपको नेटवर्क दिया हुआ वो आपको सुन सकता है कि आप कहाँ बैठ के क्या बात कर रहे हैं। जितना महंगा मोबाइल आप लेते हैं उतना ज़्यादा आप पैद लेते हैं, आपको आजकल तो ये मोबाइल हाथ में ही आदमी का नाम है अमाल हाथ, और इस मोबाइल में खूबसूरत सी चीज़ कही है, पर सुंदर सी चीज़ एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम व्हाट्सअप है, इसके तो हमारे गाँव के लोग इतने PhD हैं, डबल PhD, सिंगल से किसी का काम नहीं चल रहा है भाई, इधर से मैसेज आया नहीं कि उधर फॉरवर्ड कर दिया, मैसेज को देखिए देख के पक्की सही है या सही नहीं, आपके इसे आगे भेजने से किसी के आंखों को तो नुकसान नहीं पहुँच रहा, अगर किसी के आंखों को नुकसान पहुँच रहा है तो ठहर जाइए क्योंकि कोई आपको देखे ना देखे आपका खुदा बस है। आप सब दीन की ताकत है, आप सब इंसानियत की ताकत है, सब शेयर के काम है, इंसानियत की खिदमत बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इंसानियत की खिदमत कम हो गई, 70 साल में हमने ना अस्पताल बनाया, 70 साल में हमने ना टीवी चैनल बनाया, 70 साल में हमने ना रेडियो स्टेशन बनाया, 70 साल में हमने यूनिवर्सिटी भी बनाया,
70 साल में हमने सिर्फ बातें की, एक दूसरे पे इतराज किया, एक दूसरे के कंधे पे गाड़ी डाली, एक दूसरे को कोसा, एक दूसरे को दबला। अब वक्त आ गया जवान साहब अपने मिला जा सकते। आजकल क्या है, यूट्यूब पर कैमरा लिया, यूट्यूब हो गया, वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, डाल दिया और मिला। खुद ही साहब कोशिश कीजिए, आज कोशिश करें, 10 साल के बाद जब आए आए। कौन जानता था 61 हिजरी में, कौन जानता था 61 हिजरी में हुसैन ने एक मैदान को आबाद किया, कौन जानता था। 11 मोहर्रम को गुजरती हुई जैनब ने यही तो कहा था, मुझे इस मुकाम से उठता हुआ नूर दिख रहा है। तो 1000 साल के बाद तक आने वाली या कयामत तक आने वाली करबला से निकलती हुई नूर की किरणों को जैनब कैसे देख रही थी और किन आंखों से देख रही थी। क्या आज जब नजर को करबला के दरमियान आप खड़े हैं तो बीबी जैनब का वो जुमला आपके सामने आपकी हिदायत करने को खड़ा रहता। नीयत साफ हो, नीयत में खुलूस हो तो आपकी हर कुर्बानी को कबूल करें। करबला करबला खुलूस की वो दास्तान है और खुलूस की वो जगह है जहाँ आपको पता चलता है कि कितना खुलूस हो सकता है और इंसान कितना मुखलिस हो सकता है। हम इंसान मुसीबत आ जाए अभी कहेंगे मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह तू देख रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मुसीबत आ रही है, मेरे अल्लाह मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, फिर भी मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। एक दूसरे को पकड़ के कहते हैं देखिए खुदा भी हमारे साथ नहीं है, मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। हुसैन को देखिए अभी अभी तो अली अकबर को उठा के ले गया, मगर अली असगर को उठाने में हाथ नहीं था, कोई कुर्बानी नहीं था उसकी, क्या हुसैन से सीखे उर्दू सो तो हुसैन से थे। आप देखिए आजादारी से ये दुशोदा झलक दूसरी मरीजे में पढ़ूंगा तो मुझे याद रहेगा, मैं आजादारी और सैयद सज्जाद पे पढ़ूंगा वापस ताकि आपको बता सकूं कि कौन सी आजादारी कैसी है। आजादारी एक मिशन है, आजादारी बस मातम नहीं है, हाँ उसका हिस्सा है मातम, मगर एक मिशन है, एक मिशन है जो आपको आगे तक लेके जाना। पता है सहेल कहते हैं, एक रिवायत सुनाता हूँ आपको, सहेल कहते हैं हमने मौला को दावत दी, मौला कहते हैं कि नहीं करबला के बाद हम हमारा दिल नहीं लगता किसी दावत में जाने का, मौला तेरे बाबा की मजलिस है। सज्जाद कहते हैं तब मैं आऊँगा, सज्जाद है कहते हैं कि खतीब सहेल कहता है खतीब पढ़ रहा था बयान कर रहा था करबला के मसाए पे आया, हम सब रो रहे थे और मौला सज्जाद भी रो रहे थे, रोते रोते हमारी आँख खुली तो हमने देखा कि सैयद सज्जाद हमारे बीच में नहीं, हमने देखा वो बाहर खड़े हो गए और हमने देखा कि वो हमारी चप्पलों को सीधा कर रहा है। हम दौड़ के गए थे मौला, हमें शर्मिंदा लगा, मौला नजरें उठाने के लायक नहीं, मौला ये क्या कर रहा है। सहल सहल तुम सब मेरे बाबा को क्रिया कर लेते ना, तो मेरे बाबा के अजादार हुए तो मेरी जिम्मेदारी है कि दुनिया को दिखाओ कि मेरे अजादारों की क्या इज्जत है, मेरे बाबा पे होने वालों का क्या इंतजाम। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई हक न दे सिवाय कभी सैयद रशोद। मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं एक जुमला सुनाने जा रहा हूँ, यही काफी होगा, घर में करो जो मैं जा रहा हूँ। साहिल कहता है मौला मैं गरीब हूँ, मौला मुझे कुछ अता करे, मैं गरीब नजदीक बुलाया, बुला कर फरमाते क्या कर सक्सेस गरीब है, तो कहते हैं मौला सच में गरीब हूँ, घर से निकला तो कुछ भी मौजूद नहीं था, बच्चे भूखे। फरमाने लगे खुदा ना करे ऐसे सोच के अगर तू मर जाए तो शहर में तुझे दफन किया जाएगा या दफन नहीं किया जाए। पलट के कहता मौला ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमानों का शहर हो, मरने वाला मुसलमान हो, मुसलमान हो। सैयद सज्जाद से साहिल का बोला
आके बता दे रहे बाबा तेरी ये सत्तरीन मंत्री कौन से थी, तेरे बाबा तेरी ये सत्तरीन मंत्री कौन से थी, वो सोच रहा था कहीं के अब्बास के पास वो कलम अकबर के सीने से बच्चे का फल निकला, कासिम के लाशों के टुकड़ों को उठाना, लेकिन पले के सजा भगवान ने मेरे बाबा बड़ी से परे मंदिर दी अली अजहर महान अली Allahumma rabbana ma'a al-musa'ara.